हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरा पहला वीडियो है। आपको जैसे हम बताना चाहेंगे कि स्ट्रॉबेरी के 10 प्लांट मैंने कल लाया था, क्योंकि पुणे से आया था और ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉबेरी का पौधा कैसे लगाया जाता है गमले में और ग्रोथ भी इसका दिखाऊँगा। तो इसकी सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 10 स्ट्रॉबेरी है, 10 के रेट से मैं बता रहा हूँ। ये गाय की गोबर है जो फुल्ली डिकम्पोज हो चुकी है और इसको मैं लूँगा तीन गमले इसको लूँगा। ये 10 इंची का पोट है, इस गमले में मैं लगाने वाला हूँ और 10 इंची के गमले में 3 गमले गोबर की खाद और ये बर्मी कंपोस्ट है, 3 गमले बर्मी कंपोस्ट। मैं आपको बताता हूँ, गोबर की खाद हो गया और 3 गमले बर्मी कंपोस्ट हो गया। छः गमले ये हो गया, आलू हो गया, और 2 गमले मिट्टी हो गया जो मैं पहले ही तोल चुका था। छोटा लगता और ये फंगिसाइड है जो फंगस लग जाते हैं, तो इसको ये साफ फंगिसाइड है जो रूट्स में काफ़ी ज़्यादा इसमें फंगस लगने का चांसेस होता है। और इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल मैंने कर दिया है और इसको अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने मिट्टी को मिला लिया है, मिट्टी को बहुत अच्छे, आप देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है इसका। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए स्ट्रॉबेरी के लिए। और ये थर्माकोल का पीसेस है, मैं गमले में इसको डाल दूंगा ताकि थोड़ा सा इसमें पड़ता है होल्स, चूँकि वो या तो आप कुछ पत्थर वगैरह रख सकते हैं, मैं यही रख रहा हूँ। और इस गमले को मिट्टी को मैं भरूँगा इस गमले में और इसको हिलाते रहें ताकि एयर पॉकेट्स निकल जाए। और स्ट्रॉबेरी के पौधा लगाने के लिए मेरा रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और सबसे सीक्रेट चीज़ ये है इसमें स्ट्रॉबेरी के लिए, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सबसे सीक्रेट चीज़ ये है कि इसमें फंगस बहुत ज़्यादा लगते हैं। और इसको मैंने फंगिसाइड साफ़ हो या कोई भी फंगिसाइड से आप इसको थोड़ा सा लगाने से पहले डीप कर लें। ये मैं डीप कर चुका हूँ इसको लगा करके। एक बार इसको लगाएंगे हम थोड़ा और होल्ड करने के बाद इसको ऐसे दबाएंगे। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, क्योंकि मैं पहले भी गलती कर चुका हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके यहीं से रूट्स निकलते हैं यहाँ से। तो इसको ऐसे है, इसको ऐसे दबाएंगे ताकि ये ऊपर के तरफ रहे। ये वाली, ये कोकोपीट में लगा हुआ था, ये ऊपर के तरफ रहे। बस ये मेरा रेडी हो चुका है और इसमें मैं वाटरिंग करूँगा, जो फंगिसाइड के जो पानी से मैं धुआँ ये वही पानी मैं इसमें डालूँगा। आप देख सकते हैं ये मेरा रेडी हो चुका है। इससे मैं दूसरा भी करूँगा। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे प्लांट है, आप सब भी लगा सकते हैं इसको।
सा मिट्टी यहाँ से, ये हमारा रेडी है। इसमें अभी फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी खाद में ही सारे लगे हुए हैं ये। और वाटरिंग अपने हिसाब से इसको करेंगे, जो ऊपर का सॉइल हल्की ड्राई हो जा चुकी है, वैसे ड्राई जल्दी होनी नहीं है, ये बहुत अच्छा मीडिया है। और मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा सेंडर में गुलाब कैसे लगाएं, क्योंकि मेरा गुलाब आ रहा है तो सेंडर में, क्योंकि ये सारे लगे हुए हैं मेरे पहले से ऑलरेडी ये सेंडर में जो भी है, तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आपको कोशिश करूंगा बना के मैं बताऊंगा सेंडर में गुलाब कैसे लगाएं। पुष्पांजलि से मैंने मंगवाया हुआ है कलकत्ता। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे कि मैंने 10 स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया था, जो कि आप देख सकते हैं ये मैंने आज ही लगाया था, जो मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं सोचा कि थोड़ा उसको मैं उस वीडियो को मैं जोड़ दूँ, ये मैंने लगा दिया है। इसको स्ट्रॉबेरी के लगाने के बाद से इसमें मैंने फंगिसाइड से जो मैंने ड्रिप किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वही पानी में जो है इसमें वो किया हूँ। और ये पहले 2 साल पहले का स्ट्रॉबेरी का पौधा है, अभी तक ये बचा हुआ है, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, ये सारी फीडिंग के कमाल है। और ये सकर्स निकलते हैं, ये 2 पौधा एक और तैयार हो रहा है, आप जैसे कि देख रहे हैं, देखिए कितना अच्छी ग्रोथ है ये। और देखते हैं अब की बार स्ट्रॉबेरी मिलता है कि नहीं, मुझे बेहद ही पसंद है, अब इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी है, ये देखिए। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पोट बालू, 3 पोट गोबर की खाद और 3 पोट बर्मी कंपोस्ट, 2 पोट मिट्टी। मेरे सर हैं, वो मुझे काफ़ी गाइड करते रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट गार्डनिंग पर वीडियो है। बाकी मैं जो भी बताता हूँ सही बताता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन लोगों को पैसा कमाना होता है, मुझे पैसा कमाना नहीं होता है। और ये ड्रैगन फ्रूट है, इसका भी हो सकता है मैं आपको वीडियो बना कर बताऊँगा कि ड्रैगन फ्रूट कैसे इसकी सोयल मीडिया तैयार करें, चूँकि मैं इसको एक बार वो पूछ लेता हूँ, सर से पूछूँगा, फिर मैं उसको वो करूँगा। और ये काफ़ी मेरे गार्डनिंग का अपडेट आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे थे। ये ब्रह्म कमल है, ये टमाटर का सीलिंग ट्रे है, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पे। और इधर देखेंगे तो आप काफ़ी सारे सेंडर में मैंने गुलाब लगाया हुआ है, इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, सेंडर में कुछ भी नहीं डाला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ओनली सेंडर, इसकी ग्रोथ देखिए आप, बहुत प्यारा है ये, बहुत प्यारा है। ये जुमेलिया है, बहुत सुंदर इसका फूल होता है, डच गुलाब है, सारे के सारे डच गुलाब है इसके, देखिए छोटे में ही कली आ गए हैं, ये देखिए, ये टॉप सीक्रेट है, बहुत प्यारा फूल है, रेड में होता है वैलेंटाइन डे में, जो अब शादी वगैरह में देखते हैं स्टिक वाली, ये गुलाब है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मेरा एडिनियम है, काफ़ी हेल्दी है, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, ऐसे कोशिश करूँगा, चूँकि मैं एडिट वगैरह वीडियो को नहीं करूँगा, जो भी मैं बताऊँगा अच्छा ही बताऊँगा आपको, और जो भी होगा नेचुरली होगा, उसमें एडिटिंग कुछ नहीं होगा, क्या मैंने डाला है क्या नहीं डाला, मैं सब कुछ आपको डिटेल बताऊँगा आपको। बाकी ये स्ट्रॉबेरी एक बार आप लोग देख लीजिए, प्यारा बहुत स्ट्रॉबेरी है ये, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए जो भी पूछना मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, बाकी पूछने का ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें फंगस बहुत ज़्यादा है इस मौसम में लगेंगे, तो फंगिसाइड का स्प्रे हर हफ्ते आप लोग कीजिएगा, लोग थ्रिप्स वगैरह भी लगता है, देख रहे ग्रोथ इसका देखिए कितना प्यारा है ग्रोथ, आप ये देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ है। और ऑर्गेनिक तरीके हैं, काफ़ी ऑर्गेनिक वे पे है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी को